मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. बूट किड्स को मैंने खुद डाउनलोड किया है क्योंकि मैं खुद देखना चाह रही थी इनाया को दिखाने से पहले. और मुझे बहुत इंटरेस्ट है अभी डिजिटल कंटेंट में क्योंकि अभी मेरी बच्ची 2 साल की हो गई है. मुझे लगता है कि अभी ये सही वक्त है उन्हें डिजिटल कंटेंट, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, ये सब जो चार चीज़ें हैं अवेलेबल ऐप्स पे उनको दिखाने के लिए. लेकिन क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, एडवर्टीजमेंट से मैं बचना चाहती हूँ और वो सब आपको बूट ऐप पे मिलेगा. उनके पास आई थिंक 20,000 टाइप्स ऑफ कंटेंट है, जैसे कि बुक्स हैं, ऑडिबल बुक्स, जैसे आपने कहा कराडी टेल्स एक है जहाँ पे मैंने भी खुद अपनी आवाज़ से कहानी सुनाई है. नसीर साहब ने, राहुल द्रविड़ साहब ने, सब ने किया है. बहुत सारे कार्टून्स हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होगा. पज़ल्स हैं, जैसे आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो दे कैन डू पज़ल्स, गेम्स. सो देयर इज सो मच टू डू. ऑफकोर्स आपको खुद जिम्मेदार होगा, ऐसा नहीं होता है कि आप फ़ोन या आईपैड अपने बच्चे को पकड़ा के आप चले जाए घंटों के लिए, तो आपको थोड़ी सी मतलब कंट्रोल रखनी पड़ेगी. बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल न्यू वर्ल्ड दैट आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू स्लोली इंट्रोड्यूस टू माय डॉटर. एक्चुअली मेरे घर में एक छोटी हायरार्की सी चलती है. मेरे जो छोटी बेटियां हैं वो अपने बड़े भाई से पूछते हैं ये ऐप हम ले सकते हैं कि नहीं. वो बड़ा भाई एक दूसरे बड़े भाई से पूछता है क्योंकि मेरे 5 बच्चे हैं, और फिर आके मामला मेरे हाथ में आता है. लेकिन यहाँ जो मेरा 9 साल का बेटा है वहाँ ही मामला रुक गया क्योंकि उसने कह दिया ये दोनों बच्चियों के लिए ये ऐप बहुत सही है. तो बूट ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ ऑफकोर्स जैसे सोहा कह रही थी कि हमें पर्सनल मॉनिटरिंग तो रखना ही चाहिए, लेकिन कई बार हम काम पर निकले होते हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो ऐप उनको एंटरटेन भी करे और एंटरटेन के साथ साथ कुछ सिखाए और कंस्ट्रक्टिवली उनका टाइम यूज़ कराए. और ये इस ऐप में एक शक्ति है जो हम लोग का टेंशन निकाल देती है. तो वूट ऐप के साथ ये बच्चे खुद ब खुद टाइम ऐसे बिताते हैं जैसे वो जान, बिकॉज ये सिर्फ ये एजुकेशनल ऐप नहीं है लेकिन इसके एक ऐप है जिसमें मज़े के साथ साथ आप लर्निंग और रीडिंग जो बहुत ज़रूरी है और लिसनिंग, जैसे हम कहानियाँ, अभी मुझे कहानियाँ नहीं सुनानी पड़ती है बिस्तर पे या मेरे वाइफ को, ये वूट ऐप भी सुना सकता है. और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वो ये ना फील करे कि वो एक एजुकेशन ऐप पर सिर्फ है क्योंकि फिर वो एक जोर हो जाता है, लेकिन एक फ़न ऐप जिसमें हमें टेंशन करता है लेकिन जब हम चाहे उसे मॉनिटर भी कर सकते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी, जैसे मैंने कहा मैंने 9 साल के बेटे को ये थमा दिया था और उसका अप्रूवल आ गया. सो आई थिंक वूट, ऑफकोर्स ECA का भी अप्रूवल, बड़े बड़े अप्रूवल्स मिले हैं वूट ऐप को, लेकिन आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप एंड इट वर्क्स. ओके, आप दोनों से जानना चाहूँगा डिजिटल वर्ल्ड में जो अभी आज के दौर में जो चल रहा है, जो कंटेंट्स आ रहे हैं, जो बहुत सारे देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए बच्चे लोग को, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? बिकॉज फरा मैम से हमने बहुत 2 दिन पहले बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहती कि ऐसे कोई देखे या टेक्नोलॉजी के वजह से मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू. जब आप एक स्क्रीन ऑन करते हैं तो आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है एज अ पेरेंट, और ये तो मैं अभी सीखने जाऊँगी क्योंकि इनाया बहुत छोटी है तो सब कंट्रोल अभी मेरे हाथ में है. इनाया को खुद आईपैड चलाना नहीं आता है, आई हैव दैट ऑल द कंट्रोल. लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पर वो खुद अपने कमरे में काफ़ी कुछ कंट्रोल करेंगे अपने आप, वहाँ पे मेरा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. विच इज़ वाई ऐप्स लाइक बूट ऐप्स में पेरेंटल कंट्रोल है. आप टाइम भी वहाँ पे लगा सकते हो कि 20 मिनट के बाद खुद बंद होगा. देयर इज अ कोड, देयर इज वेज ऑफ चेकिंग कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं. और खुद बूट ने क्यूरेट किया है जो सारा कॉन्टेंट आपको बूट ऐप पे मिलेगा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, आपके बच्चे के एज के लिए अप्रोप्रिएट है, तो वो सब आपकी जो टेंशन है जैसे आशीष ने कहा वो सब हट जाते हैं. यू नो बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं और स्पेशली समझो आप YouTube ही ले लो, बहुत सारे वीडियो जो उन्हें नहीं देखने चाहिए वो देख सकते हैं. उसमें एक पेरेंटल कंट्रोल आता है कि अडल्ट कंटेंट नहीं, यूट्यूब किड्स भी है वगैरह. लेकिन जब मैं एक्चुअली इसे कंट्रोल करने गया था शुरुआत में, जब मुझे भी नॉलेज कम था, तो मुझे पहले बोला गया था कि जो वाईफाई आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने एंड से उसको अंडर 18 कर सकता है. अच्छा. तो आई डोंट नो व्हेदर दैट इज पॉसिबल, लेकिन मैंने कई चीज़ें ट्राई की इवेंचुअली, बट आई रियलाइज बच्चे हमारे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं उस पर. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें जो उन्हें ऐसा ऑक्यूपाई करे जिससे उनको बाकी जगह जाने का मन ही ना हो. तो ये अगर ये सब वीडियो समझो जो कैरेक्टर्स वूट ऐप्स पे आप देखते हो, अगर उनको वूट ऐप पे मिल रहे हैं तो वो दूसरे कोई अडल्ट ऐप पे जाके देखेंगे नहीं. सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं पैसा खर्च करके ऐप ले रहा हूँ और उनको गिफ्ट कर रहा हूँ एक ऐप, तो ऐसा ऐप दूँ जिससे वो एंगेज हो जाए, उसको छोड़े ना और बाकी चीज़ें उनकी अटेंशन ना जाए, और अगर एंगेज हो भी जाए तो फन के साथ साथ कुछ लर्निंग भी. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करना बंद करें, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. और ये जो आप एंटरटेनमेंट एजुकेशन ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं उनको, उसका भी मतलब दिन भर नहीं होगा, आपको वो टाइम सेट करना पड़ेगा. इसका मतलब नहीं कि आपके बच्चे बाहर नहीं खेले, आपके साथ बातचीत ना करे, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू योर रूटीन. इंडस्ट्री का पार्ट है इसलिए आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि
फिल्में बनती है, जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे पहले सारे जगह पर फिल्म आई थी, लेकिन उसके बाद में तो आप लोग ऐसे बच्चों के ऊपर फिल्में कम बनती थी, क्योंकि आप खुद सेलिब्रिटी, तो आप चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर और फिल्में बने जो कि बच्चों भी सेंस तो बनता ही है। आई थिंक ऐसे मतलब जैसे मैं समझ सकती हूँ आप बोल रहे हैं कि हॉलीवुड में ऐसे बेबीज डे आउट या हैरी पॉटर जैसे फिल्म बहुत बनते हैं, बच्चों के सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे मेन लीड्स होते हैं उसमें, यहाँ पे नहीं होता है। चिल्लर पार्टी आई थी आई थिंक तारे ज़मीन पर, होने चाहिए क्योंकि ऑडियंस तो है, इंडिया इज़ वेरी यंग कंट्री एज वेल। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, जैसे हम पहले भी कहते थे ना कि देर शुड बी वुमेन इन सिनेमा, वो अभी आ रहा है। आई थिंक पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग चिल्ड्रन वेरी सीरियसली, आई टेक माई चाइल्ड वेरी सीरियसली। सी अगर आप इंटरनेशनली देख लो तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो चिल्ड्रन बेस्ड मूवीज होती है जैसे सुपर हीरो मूवीज, मार्वल के मूवीज देख लो या डिज्नी या डीसी के मूवीज देख लो, दे मेक दे आर द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स। ऑफकोर्स इंडिया में एवरीथिंग इज इवॉल्विंग और एवोल्यूशन बहुत आहिस्ते आहिस्ते होता है, कभी कभी कहीं जगह लेट होता है, लेकिन नेवरदलेस होता ज़रूर है। एंड आई फील ओवर हियर जो फैमिली फिल्म्स रहती है, क्योंकि अभी अगर आप प्रोडक्शंस में देख लो और जो बातें मेरी चलती है, इवन आई एम इवेंचुअली टर्निंग टू दैट डायरेक्शन, एवरीबडी वॉन्ट्स सम फिल्म जिसमें फैमिली ऑडियंस आए। ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी भी उसमें ही रहती है कि सारी फैमिली साथ में देखे फिल्म, एंड इट मेक्स देम हैप्पी ऑल्सो। सो चिल्ड्रंस फिल्म विल हैपन। आई थिंक आज के ज़माने में थैंकफुली द कॉन्टेंट बेस्ड फिल्म आर वर्किंग एंड टाइम्स आर चेंजिंग, तो आई थिंक बहुत ही कम अरसा दिखेगा आपको जिसके आई मीन आफ्टर विच बच्चों के फिल्म ज़्यादा बहुत ज़्यादा आएंगे। सुबह चिल्ड्रन डे में एक और बच्चा पैदा करेगी परसों आपका दूसरा बच्चा कभी आ रहा है मैडम? ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दैट एवरी डे इज चिल्ड्रंस डे, दैट डज मीन आई हैव अ चाइल्ड एवरी डे आइदर। कुनाल इज माय सेकंड चाइल्ड, सो मेरे दो बच्चे हैं घर पे। क्या बात है। यू नो आई फील एवरी डे इज चिल्ड्रंस डे और मेरे घर में पांच बच्चे हैं, तो मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरे लिए हर रोज चिल्ड्रंस डे होता है। और आई थिंक चिल्ड्रन डे मनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर डे ऑल्सो, क्योंकि कोई भी ओकेजन हो, मतलब एक दिन हम लोग बड़ों की मतलब जो फेस्टिवल्स हम लोग करते हैं ना करें तो ठीक है, लेकिन बच्चे के सारे फेस्टिवल फुल्ली और बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो आई थिंक दिस टाइम आई प्लान टू टेक अ फैमिली ट्रिप विद एवरीबडी, क्योंकि मेरे गैंग सब अपने बच्चों के लेके आओ, बट एक ट्रिप जो बच्चे साथ में करे दैट इज मैक्सिमम मेमोरीज। थैंक यू।